ईडी छापे को लेकर कांग्रेस ने अब सीजेआई को पत्र लिखा है। ईडी कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने चिट्ठी लिखी है। ईडी की कार्रवाई को रोके जाने की मांग पत्र में की गई है। सीजेआई के साथ ही कांग्रेस ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चिट्ठी लिखी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेताओं से लेकर अफसर और कारोबारी तक इन छापों की जद में है। प्रकार से लगातार ईडी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। उसके लिए हमने देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख के सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और हमने जुडिशरी के प्रमुखों से मांग की है कि इस प्रकार की कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है।